वेलकम दोस्तों, यादव जी नॉलेज ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों आपको हर प्रश्न में चार ऑप्शन मिलेंगे, आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें अपना आंसर में कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी सुरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेचुल। दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी यानी कि बुध। नंबर फोर, पौधा को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। ऑप्शन ए नामकरण, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी पहचान, ऑप्शन डी वर्गीकरण। हमारा राइट आंसर है बी यानी कि वर्गीकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, साबूदाना किससे बनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी सेंट्रस, ऑप्शन सी जूनिपेरस, ऑप्शन डी साइकस। दोस्तों हमारा राइट आंसर है साइकस। दोस्तों आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, और भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, इसका जरूर दिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, उत्तर लेंस की क्षमता होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी धनात्मक। क्वेश्चन नंबर एट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन डी डायोप्टर, ऑप्शन डी अन्य। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हम आपको रिपीट कर रहे हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। चूज दी करेक्ट आंसर PH7, PH14, PH0, PH3। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी PH0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर टेन, आभूषण बनने वाला सोना होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए 22 कैरेट का, ऑप्शन बी 24 कैरेट का, ऑप्शन सी 16 कैरेट का, ऑप्शन डी 23 कैरेट का। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 22 कैरेट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को या 1 मई को। चार ऑप्शन दिए गए, चूज करें। तो हमारा राइट आंसर है 3 मई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। 2 मई को, 28 अप्रैल को, 1 मई को, 30 अप्रैल को। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। तो हमारा राइट आंसर है 1 मई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 1 मेगाबाइट MB कितने वाइट के बराबर होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, EDP क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में जरूर दें। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। नई दिल्ली में, गुजरात में, झारखंड में, महाराष्ट्र में। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। 15 अक्टूबर 2012 को, 26 नवंबर 2012 को, 17 नौ दिसंबर 2013 को या अन्य। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 26 नवंबर 2012 को। क्वेश्चन नंबर 17, GPS के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 13। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें।
ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद किसके अंडर में आता है। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें, भारत, नेपाल, रूस, चीन। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दी करेक्ट आंसर नोकिया, डावर, सैमसंग, निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डावर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। चूज दी करेक्ट आंसर राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या पंजाब में। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। दी करेक्ट आंसर चांद बीबी, राजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर 23, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चूज दी करेक्ट आंसर हैदराबाद, अहमदनगर, मसूरी, बीजापुर। तो आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ जाकर के आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं और भी नॉलेज ले सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है मैसूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। अब मुझे पता है आप सभी को आंसर इसका पता होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस दोस्त को नहीं पता मैं उसके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी यानी शाहजहां ने। दोस्तों इसके लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखा है चैनल पे ऑलरेडी, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यूएस में कितने देश हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 21। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 23। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, नोटों पर जो गांधी जी की फोटो है वो कब खींची गई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। दोस्तों हमारे इस चार ऑप्शंस में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1946। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे आप कम्प्लीटली इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलो तक होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। चूज दी करेक्ट आंसर लिली, मोगरा, कमल, रेफ्लेसिया। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेफ्लेसिया। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं डिटेल में और नॉलेज ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किस देश को लिली का देश कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें। ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी आवा गांधी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज करें आंसर अपना कमेंट में बताएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए वेट ना करें, इसका आंसर आपको खुद बताना है कमेंट में जरूर बताना है। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो आप अभी हमारे चैनल पर क्लिक करें और जाकर और भी क्वेश्चंस देखें जिससे आपको इसका आंसर मिल सके। गाइस वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं यादव जी नॉलेज ट्रिक पर हमेशा इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।